सूरीनाम की तमाम जनता, हमारे जो प्रदेश के तमाम लोग हैं, आप सभी को मेरा प्यार पहुंचे। और नामीबो के मामला जहां फेल्प्स और प्लाच है, 3 स्कूल वहां बंद था, धुआं के कारण से, वहां के गंध के कारण से। औद्री हंकर्स डिस्ट्रेस कमिसारस, जो वानिका जैत ओस के कमिसारस है, ये संदेश दिए रही है कि आज से 3 स्कूल खुल चुका है, यानी स्कूल के बच्चे गुजरे हफ्ता में स्कूल को नहीं गई है, लेकिन आज से यानी स्कूल फिर से खोल दिया गया है। वहां पर जबरदस्त काम हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीन लाया गया है, और जो आग धुआं, जो ज्यादा धुआं निकल रहा था, ये धुआं कम हो चुका है। प्यारे लोग, सभी लोग चाहते हैं कि एक अपलोसिंग वहां पर आए। ये अपलोसिंग न 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3 हफ्ता के लिए, ये अपलोसिंग हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए, क्योंकि बार बार कहा गया है कि और नानीबो का फेल्स्टोर प्लाट्स थोड़े ही समय के लिए वहां था, थोड़े ही समय के लिए, लेकिन वहां पर ये तो हमेशा के लिए, जैसे कि लोग ने बोल गया कि फेल्स्टोर प्लाट्स और नानीबो वो थोड़े दिन के लिए वहां पर लोग को फेल्स्टोर करने के मौका था, लेकिन उसके बाद उपम्बार वर्क एक बड़ा जगह का तलाश करके वहां पर फेल्स्टोर प्लाट्स का उद्घाटन होता, लेकिन ये हुआ नहीं। जनता इंतजार कर रहा है कि अब अपलोसिंग इस समस्या में लाया जाए। हमारे सूरीनाम की जनता, एक नौजवान औरत 1.75 किलोग्राम कोकाइन अपने शरीर में रख करके 20-year-old मुदर पान 2 kleine किंदरन, ये सूरीनाम से 1.75 किलोग्राम कोकाइन यहां से ले गए हैं, लेकिन वेस्ट फ्रांकरेक ट्रेन स्टेशन फान नी ऑर्ट इन वेस्ट फ्रांकरेक, वहां ये गिरफ्तार हो चुकी है। एंड देर हाथ से इन हर फाखीना फॉर स्टॉप, और बाकी और जगह पर ये, अगर ये 1.75 किलोग्राम अगर ठीक रूप में पहुंच जाता जहां पर नीदरलैंड की ये बात है, तो 10,000 यूरो ये 20 साल के बच्ची कमा देता। लेकिन ये फ्रांकरेक में वहां पर छाट वगैरह करने लगी, और वहीं पर से पता चली कि ये कोकाइन अपने शरीर में घुसे करके और ये प्रदेश को पहुंचा। जहां गिरफ्तार हुआ वहां कोर्ट कचहरी हुआ। ये कोर्ट कचहरी में 3 साल खफांगने स्ट्राफ, तो 3 साल खफांगने स्ट्राफ इन्हें फ्रांकरेक में दिया गई, और ऊपर से 5 साल फ्रांकरेक में जाने के लिए मिनाही कर दी गई है, और कुछ डर भी इन्हें लगा है। हमारे सूरीनाम की जनता, ये सब तमाशा बहुत सालों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। रोज कहीं ना कहीं चोरी होता सूरीनाम में, और अब सी चोरी हुआ है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं भाइयों बहनों, ये चोरी हुआ है मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेस में। मिनिस्ट्री फॉर अंडरवेस 1 हफ्ते पर चोरी हुआ। 4 लोग पहले बवाकर को जबरदस्ती बांध करके, बवाकर को और स्कूल में घुसा, और जितना बड़का ब्रांकास था निकाल करके, लेकिन चल नहीं पाते, इतनी वजन का ये ब्रांकास था, ये ट्रेन पर छोड़ करके ब्रांकास उखाड़ करके, और जितने सामान उनमें था छीन निकाल करके वहां से भाग गए हैं। मिनिस्ट्री फॉर ओवीएनसी की बात है, क्लेश मकान से बाहर निकाल चुके लेकिन ले जा नहीं सका, और इन लोगों के पास फेस शुरुआपन था, बवाकर के हाथ पांव बांध करके और सब चीज लूट लिया है। प्यारे लोग, ये सूरीनाम का समस्या है जो हम लोग बार बार जनता के सामने ला रहे हैं। कुछ वैन ब्रो की बंद है, प्यारे प्यारे लोग, कुछ वैन ब्रो की बंद है।
अब ये नवंबर में जा करके खुलेगा। प्यारे लोग, सब लोग को पता है कि जब ये कुशवैद बर्फ बंद हो जाता है तो काफी भीड़ रहता है, काफी भीड़। अभी दो बरों की, तीन बरों की है बीच में, जहां से लोग पथवानिका की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो फिलस जाने की जो लंबा रह लग जाते सवारी के, आप जानते हो कि सूरीनाम में वो जमाना बीत गया है जब लोग बस के जरिए दफ्तर को जाया करता था। बस या फिट्स या ब्रोमफिट्स या स्कूटर नहीं, अब हर एक इंसान के पास एक सवारी है। अगर एक घर में पांच लोग तो पांच सवारी घर से निकलता है, यानी शहर के लिए, कांतोर के लिए। वो लोग एक सवारी बैठ कर नहीं आ सकते हैं, सब अलग अलग। हमारे देश की जनता, इतनी सवारी सूरीनाम में, इंसान से ज्यादा सवारी है हमारा देश में, यानी औतोस कहिए। इसलिए ये कुशवैन ब्रो की जब वहां मरम्मत होता है तो ये बंद है। और आप लोग तनी होशियार हो प्यारे प्यारे लोग, क्योंकि जो ब्रो की खुला रहेगा वहीं पर आपको चलाना चाहिए। आप जनता है तो जनता के लिए संदेशा हम दे रहे हैं कि जबरदस्त प्रोग्राम हुआ प्यारे लोग। हर डेंकिंग हो इमिग्राची और अफांकल के प्लेन पर अक्रोबाटन अक्रोबाट प्यारे लोग, जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। और आप सोच नहीं सकेंगे कि चिन्हवा लोग कितना इनों का अक्रोबाट वगैरह, कितना नाच ये लोग के, कितना ये कितना वो, ये सब बात आप लोग को जानना चाहिए कि ये सब बहुत आगे, हम लोग से बहुत आगे। ब्रोमफिट्सर एनन शास्त्रक सफर के इस दो देश के बारे में जिक्र कर चुके हैं। तक यार ब्रोमफिट्सर सर्खियो फ्रेड, इन्हें एक 14 साल के ब्रोमफिट्सर इन्हें धक्का मार दिया है। एक 14 साल के ब्रोमफिट्सर इन्हें धक्का मार दिया और ये त्रीन दर्तक यार ब्रोमफिट्सर सर्खियो फ्रेड इनका मृत्यु हो गई है। दोनों टकराया अपने आप में, जैसे आप जानते हैं, समझे ना, और दोनों को तो चोट लगा है ना। द अंदर ब्रोमफिट्सर इज ओक गवाउंड खराट, उनका एक हाथ टूट गया वगैरह, इसे कुछ है। तो ये देखो, ये बहुत दुख के सनीसा है, यानी दो ब्रोमफिट्सर अपने आप में टकराया है। सरनाम में गाड़ी को चलाने के लिए तो कम से कम एक स्नेल हेट होता है, ये चाहे जो इंसान चलाते हैं सबको कम से कम जानना चाहिए कि गाड़ी तनी से जो किलोमीटर स्टंट जो है, जो आप लोग को जो सरकार जहां लिखी से इतना स्नेल है, इतना स्नेल है, वही आपको चलाना चाहिए। शनिचर के सवेरे मिनिस्टर लेखराम सुरजन लॉन्गो फ्यूचर एफिसर है, मुमकिन है कि ये साइड तनी ज्यादा स्नेल है इसे गाड़ी चलाया है, यानी जहां 40 वहां 40 से तनी ज्यादा। तो इन्हें सिपाही बॉन्ड दिया होगा ना, मतलब कि कुछ अब जैसे कि बुकेरे लोग बोलते हैं। तो मिनिस्टर एल्फीफी वो साइड यहां से निकेरी को जा रहा था और उन्हें कतरीना सर मक्का में, यानी जब सिपाही वो स्नेल है इसे जा रहा है तो सिपाही उनको रोक करके बॉन्ड दिया कि मिनिस्टर ये बात ऐसे है, आप तनी ज्यादा स्नेल चले दो है, आपको इतना डर लगेगा। हम आगे चल करके बताऊंगा भैया लोग कि दो पुलिसमैन जो इस वक्त गिरफ्तार है स्टॉकर्स एफर्स में, कंट्रोल पोस्ट स्टॉकर्स एफर पर, वहां बात हुआ है कि एक औरत 10 किलोग्राम कोका इन लेकर के वहां पास होना चाहती थी, लेकिन सिपाहियों ने कहा आप बिजनेस किया जाए, और बिजनेस से यह था कि 5 किलो और कुछ पैसा सिपाही ले लिया और वो औरत फिर आगे चल गई। बाद में शोफेर जाकर के नालिश की और सिपाही इस वक्त गिरफ्तार हुआ है। वहीं पर एक आदमी, एक शोफेर ड्रग्स बॉलचस लेकर के वहां से पास हो रहा था,
वो सिपाही भी बस लाख में ले लिया। ये दोनों सिपाही इस वक्त जेल में हैं, दोनों सिपाही इस वक्त जेल में हैं, और ये लोग को घर तक दाख के फर लेने दिया गया है। फर्दाक्षन यानी दो मुकदमा है, अलग अलग के मुकदमा है। एक है 5 किलोग्राम कोकाइन, एक है ड्रग्स बॉलचर्स, दो अलग अलग का मुकदमा है। और अब दोनों को घर तक दाख के फर लेंगिंग दी गई है, फर लेंगिंग, क्योंकि ये मुकदमा आगे चल करके ये मुकदमा जज इसमें फैसला सुनाएगी। द पुलिस चीफ फॉर निकेरी दो बोट, दो जहाज को बसराख में लिया है। द पुलिस ऑन द स्टेप सैटरडे इन द मिडडे, रात्रि को दो जहाज निकेरी रिफीर में और क्वारंटाइन रिफीर में, भाई बहनों, एक निकेरी रिफीर में और एक क्वारंटाइन रिफीर में। जो निकेरी रिफीर में था उसमें 39,000 फ्यूरवर्क, 39,000 फ्यूरवर्क, और जो बोट क्वारंटाइन रिफीर पर बसलाख में लिया गया, उस बोट में 135 किलो मछली और 300 मीटर फिशनेट ये लोग यानी कि सुरीनाम के रीवा जिस कहते हैं, या यहां पर मछलियां पकड़ रहे हैं, इसी कारण से इनका सभी सामान बसलाख में ले लिया है। ये लोग कहते हैं कि ह्यूज फॉर्च्यूनिंग इन लोग के पास है, जो एक इंसान परमाय रहता है, लेकिन हर एक को अपना फॉर्च्यूनिंग होना चाहिए। जैसे ये था एल खाल कहिए, और 500 किलो मछली एंड 300 मीटर फिशनेट वो बसराख में लिया है निकेरी। जैसे फ्यूरवर्क, अब फ्यूरवर्क तो आप जानते हैं कि जनवरी से, दिसंबर जनवरी से शुरू होगा पगारा बम्बल बरम बरम बरम, नीखनन देर तक दूजन यानी सूरीनाम से खरीद करके ये अब ले जा रहा था गयाना की तरफ, गयाना तो निकेरी रिफीर में। ये जैसे वहां पर लादे होंगे बोट में, तो कोई चुगल खोटार कर दे सिपाही के, बस सिपाही समय पर पहुंच गया और सब बसराख में ले लिया और फलाने लोग को यानी ले जा करके बंद की है। अब दूसरा बात जो है, अभी मैंने आपसे कल या प्रोग्राम में मैं कहे थे कि 300 किलो ड्रग्स साथ में रेफ्टर फैसला सुना चुका है राहुल एन, जो इनक्लार्डर है, उन्हें जो सजा दिया गया है क्योंकि वो फॉल्स स्टेकन वगैरह इनक्लार करके कंटेनर को यानी ले जाना चाह रहे थे वगैरह वगैरह, जिसमें जो फैसले को अपमार्क स्टिकन जो राहुल एन वेट एन कंटेनर एन खेक्लार्ड वारे नादरहान 395 किलो कोकाइन इस ऑन द स्केप ऑफ द हुक फन मोलमपाट एंड स्वार्थन होफम रिस्ट्रात। तो अब राहुल को जो सजा मिला है, और इसीलिए इनका एडवोकेट इनके लिए अब खबर पे जाने वाला है। यह लिखा राहुल एन 8 months सेल स्ट्राफ ऑफ वार फॉर जस्ट फॉर वार्डलक ऑन द अफ ट्रैक फॉर द टेक इन 4 अरेस्ट मेट एन प्रूफ टेक फॉर 3 years फॉर एन अपमार्क फॉर फॉल्स स्टेकन फॉर एन इनक्लार फॉर एन कंटेनर वगैरह। अब ये जेल से बाहर हो चुका है, लेकिन इनका एडवोकेट इनके लिए बड़ा कोर्ट में इनकी सब समस्या माफ करने के लिए मुकदमा तैयार कर रहा है। हमारे जनता एक 62 साल की औरत फ्रो कल पारमारी बो में इनका लूटा गया है। ये फिट्स पर कहीं जा रही है और एक डाकू इनका पीछा कर रहा था, तो ये बेचारी गाड़ी चलाती है, टीडीएफ तुम्हारा वाम तू तुम्हारा, द फ्रॉ हाथ अनमोबिल टेलीफोन 105 यूरो
en 150 in haar tas. Bas wo chin karke ab bhag gaya. Samjhe na bhaiya. Ye ja karke nalis ki hai. Ab nalis ki hai. Ab ye samasya aage andar suk hoga. Pyare log janta, Minister Lilian, Minister Lilian Ferrier, जो अंडरवेस का मिनिस्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फॉर मारवेन फ्रेडी डैनियल के साथ सब उपमा स्कूल में जा करके यानी इंस्पेक्टर किया है, इंस्पेक्शन से कहते हैं, देखने के लिए गई है हर एक स्कूल जो मारवेन में है, तो फ्रेडी डैनियल के साथ वो सब स्कूल को गई है देखने के लिए कि कौन स्कूल में ये फॉर्म मिनिस्टर है, कौन में न है, कौन में क्या है, कौन में क्या न है, वो सब देखने के लिए यानी मिनिस्टर खुद यानी पहुंच गया है, यानी इलाका मारवेन के बात हम कर रहे हैं। दो संहतियां एक ही पॉलिटिक पार्टी का, एनडीपी का रशीद दुखी असेंबली लेट और जॉन महेश पाल सिंह, वो भी एक टॉपर है एनडीपी का। प्यारे लोग, एनडीपी पार्लियामेंटारियर एंड हुबस्टिस्लेट रशीद दुखी, वो भी हैरान है कि स्टार्स बद्रेव स्टेक्टिंग मशीनाल लॉन्बो एसएमएल जो वाखनी में है, ये कैसे वेस्टलैंड सामा ग्रुप एंड फी जिसका ऑनर नेमर है जॉनी ओम जॉन महेश पाल सिंह के नाम पर हो चुका है। ये बड़ी हैरान है, ये दोनों एनडीपीएर है, एक समय बड़ा संघटिया था, लेकिन आज रशीद दुखी ने कहते हैं हैट इस अनकम्प्लीट बुफ बैंड, डाकू डाकू लोग के नाम ये लिया है, हैट इस अनकम्प्लीट बुफ बैंड। प्यारे लोग, रशीद दुखी क्या कह रहा है, ये मुद्दा खुद फरस्तंत है बन दिमान दिमान मान जब मान लिया है तो जॉन महेश पाल सिंह के नाम कहते हैं दिमान ओवर है। हम लोग के अखबार के जरिए जो पूछा गया 17 अक्टूबर को, जैसे आप लोग जानते हैं वाखने निकेरी वहां पर ये राइस फैब्रिक एसएमएल यानी उसका उद्घाटन हुआ है, जब 20 साल बंद था, अब फिर से उसका उद्घाटन हुआ है। लोग कहते हैं कि इस बदरेव को मरम्मत किया गया है। दोर वेस्टलैंड सामा ग्रुप में के है ये अभी हमें पता नहीं है। बाय द ओपनिंग जैन प्रेसिडेंट बाउटर्स ministers and andere partij topper vol lof geweest over de prestatie van Mahesh Pal Singh, जिसका नाम जॉन भी है। दुखी क्या कहते हैं, एक जमाना दुखी महेश पाल सिंह दोनों संघटिया था, एक ही प्लेटी में भैया खाना भोजन करते थे। महेश पाल सिंह के बारे में सुनो दुखी क्या कह रहा है। दुखी फेंज एक्टर दट ओम जॉन the staatshoofd Bouters en vooral LVV-minister Lekram Surjan heeft misleid. Wat hem het meest stoort is dat Westland Sama Groep als aannemer zelf renoveert. मतलब कि वेस्टलैंड सामा ग्रुप, पहले पता नहीं कि किसमें के है, क्योंकि पहला आदमी तो है भैया महेश पाल सिंह, लेकिन और इसमें के है, समझ रहे काका। अब ये लोग इतना दूर तक किए हैं कि राठवा मिनिस्टर द नेशनल असेंबली एंड मिनिस्टर एलवीवी, ये लोग अभी तक पता नहीं है कि वेस्टलैंड सामा ग्रुप इस में इन लोगों के ऑफरिंग कॉम्स में क्या बात लिखा है, इस ऑफरिंग कॉम्स में क्या बात लिखल है और
मिलियन हिपोटेक इस पर जा करके ये कर्जा निकाल लिया है, जमीन पर कर्जा निकाल लिया है। रशीद दुखी कहते हैं कि वो भी चाहता है कि फिनांसर का तोरण के नाम पर कहीं जा करके बैंक में कर्जा ले ले। बोले आज ये होने लगा है सूरीनाम में, जैसे ये आदमी जा करके और एसबीआई के नाम पर मिलियन पैसा अपने निकाल लिया है। प्यारे लोग, प्यारे लोग, प्यारे लोग, प्यारे लोग, हमें पता चला है, हम लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि नेशनल असेंबली में सभी असेंबली रीजन को जो अभी तक जिनको इंफॉर्मेशन नहीं है एसएनएल के बारे में फिया एन इंटरपेलासी फोर्स टेल, वो लोग को पूछना चाहिए कि मिनिस्टर बतावे, प्रेसिडेंट बतावे और सब बतावे कि कौन फोर वार्ड पर ये एसएमएल उस आदमी को दे दिया गया है। जो पार्लियामेंटारियर खुद कहते हैं कि वो फ्राक सवाल करेंगे पार्लियामेंट में, जब जैसे पहुंचेगा जोंदर पर्दोन बोले सब सवाल करेंगे, बोले सेकंड हैंड बॉस नॉट मार्किंग आउट दिस दुखी। और जैसे महेश पाल सिंह ने कहा कि सब कर्जा भर करके वो बदरे फिलिया है, दुखी कहते हैं एंकल स्कोल्डन कुछ कर्जा फर्जा नहीं था। दुखी हे ग्रोथ फ्राक टेकंस वनेर हे होर दैट महेश पाल सिंह द स्कोल्डन फॉर एसएमएल हे फॉर ओवर गडोमन ऑन दैट सो फेर हिम बकेन ऑन द लास्ट डायरेक्टर फॉर द स्टार्स बदरे एंड बदरा फॉर 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर वर्ड आफ्टर खलातन। दुखी बोले हैं कि 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर वो आखिर जो जो डायरेक्टर चला गया है 5 मिलियन पैसा छोड़ के गई से। अब महेश पाल सिंह कौन कर्जा भरी से ये दुखी जाना चाहते, ये दोनों दोस्त है भैया, आज आज ये दोनों बिगड़ गया, कल ये एक हो सकता है ना, लेकिन जो ये कहे हैं वो हम बात करते हैं। दुखी दुखी बोले कोई कर्जा फर्जा न रहा, तो बोले कि पेलमोलन जो है जो 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीदार किया गया है ना, ये तो भी सबको जाने का ना, न्यू नेम द मैन आउट दिस न्यू मशीनस द पेलमोलन द टेरेन वाहन्स एंड द टेरेन ग्रेटेस्ट ओवर। भाइयों बहनों, सूरीनाम के जनता, वाहरिंगन के जनता, निकेली के जनता, ये बात तो नहीं सुन लो कि दुखी यहां से क्या बात कह रहे हैं। दुखी के कहना है कि महेश पाल सिंह जॉन नेम्ड आउट दिस न्यू मशीनस द पेलमोलन टेरेन वाहन्स एंड द टेरेन ग्रेटेस्ट ओवर। अब सुनो रशीद दुखी और क्या कहे, निच अन बेनन जैद खदान पेलमोलन ड्राइट निच। सब लोग ये बात कहते हैं, रशीद दुखी यही बात कहता है, वेस्टलैंड सामा ग्रुप इज द रेस फैब्रिक एंड द पेलमोलन आल्स फॉर द हेक हो रहे हेक हो रहे कैन वर्ड ऑफ स्टैंपल। एक ही जो काम वहां सब कर रहे हैं, वाट दिस बोले कि मैंने कुछ मरम्मत भेल तनी मनी फिर लगा दे रहे हैं, और जो ट्रेन है जहां पर ट्रेन है खराब मशीन से सफा किया गया है, 10 लादिंग सांटी खोद फेंका गया है एन एच खबो फॉर बेल्टन खन मैटन हो ड्रिक्स बेल्टलांग hierna is het gebouw zwart en grijs geverfd uit de 35 blikken verf die zijn gekocht. Je dukkie kata hai, 35 blik verf die gerida gaya hai, aur usse ranga gaya hai. Wahi materiaal, wahi miri, purana jo tha, wahi par. Aan de binnenkant hebben zij niets gedaan en die molen draait niet. Abhi termen na khari bahar. जैसे कि कोई लिपस्टिक लगा लिया है खूब मोई से अपने अपमान करी से, लेकिन भीतर में तो न जाने का बात बेचारी बीमार है या कैसे है या चिंता से या कैसा। तो ये 35 ब्लैक से बोले बाहर खूब रंग दे रहे हैं लेकिन भीतर में कुछ न किया गया, एंड बेलन कान है नेक्स्ट कदान एंड दी बोलन ड्राइट नीड।
बोले कि मिरिया न चले है मोटर फोटर अभी स्टार्ट हो पावे है समझे। 10 साल तक ये दस साल नॉक मोयर मैन कान दी मोलन फॉर द कोमन 3 यार निद्रायन। बोले अगर वो मशीनिया चलत तो देसी बाउटर्स को टेन मिनट एक बस्ता चाउर ये लोग मुफ्त में देता, लेकिन बाउटर्स को कुछ नहीं दिया, उन्हें कुछ मिला नहीं। तोहफा के रूप में कम से कम एक बस्ता चाउर उनको मिलना चाहिए था। अब जो बात शुरू है वो बात सुनियो। दुखी बोले एलफेफे का मिनिस्टर लेखराम सुरजन, दुखी इस हेथनिक मैट एलफेफे मिनिस्टर लेखराम सुरजन वेयर दी स्टाउ दैट एयर नेक्स्ट मे इस आल्स अन सुरीनामर बसलुइट टू इन्वेस्टेरन। Volgens de president gaat het om een Surinamer die zijn hart op de juiste plaats heeft. Dus Duki, wil de president zeggen, ik Surinamer, je weet het, kies kam ke liye waha wo, kya hai ye sab chiz karta hai. En LVV ka minister Lekram Surjan bhi kehta hai, ki jab ek Surinamer investeer karna chahte hain, to wo sachmuch roop mein karta hai. Duki kya kehte iske bare mein? दुखी कहता है महेश पाल सिंह इज अ नीदरलैंडर है सेन सुरीनामर। अब तमाशा सुन भैया, अब तमाशा, महेश पाल सिंह इज नीदरलैंडर। बहुत से कहते अन सुरीनामर, मिनिस्टर लेखराम सेफ्ट अन सुरीनामर एंड दुखी द एनडीपी टॉपर एंड मस्तूर Hij zegt, Maurice Paul Singh is Nederlander. Echter is dit geval beweerd, Doekie, dat Maurice Paul Singh Nederlander is. Pjare bhaio, Surinam ki janta. Ab aise baat hai ki Doekie kehte hai, ki waha tractor, machine wagaira, hum kharidwa karke, aur vikling ke liye, hum waha li ja karke, gharwaye the. Al dus NDP'er. De ondernemer Maurice Paul Singh is dezelfde NDP-topper die president-commissaris is bij SML Wageningen. Al jagheper je admi jane ki is jagheper he. Al pata chala he ki SML ka purana loha 1.3 miljoen me bik gaya he. Wahan par लोग बेच बेच दिया है 1.3 मिलियन अमेरिकन से डॉलर उसने हमें बेच दे रहे हैं। प्यारे लोग, सब लोग को ठीक रूप में जानना चाहिए कि क्या एसएमएल के साथ हुआ है। एसएमएल के साथ जो चीज वहां हो रहा है, निकेरी के जनता और जो वाकनिंग जनता, अगर वहां फर्क विशेष नहीं है तो यही तो गड़बड़ है कि जहां पर फर्क बहुत होना चाहिए था आज वहां फर्क बहुत नहीं है। लेकिन एसएमएल में अगर वहां एक फाग बोविंग आज होता फाग बोंग, तो वो जरूर इसके बारे में सवाल कर कि हम जानना चाहते हैं कौन फोर वार्ड से महेश पाल सिंह को ये मीरी वगैरह और ये सब कुछ सब चीज दिया गया है। तो हमारे देश के जनता, जब अब खुद एनडीपीयर टॉपर एनडीपीयर रशीद दुखी खुद कहते हैं और चिल्ला करके कहा, अखबार वालों ने लिखल है, सबरों कहा है कि हेट इज अन कंप्लीट बुफन बैंड, अन बुफ बैंड। अब बुफ बैंड ये का अमनी मुतरशीर भैया के बताए चाहिए कि बुफ बैंड के बोलत है। नमुआ बतावे कि इनको चाहिए कि बुफ बैंड के है। जब ये बुफ बैंड एक नाम सिर्फ लेता है और वो है भैया उमजोन के नाम, लेकिन और के है इस और खानी सासी में और के है। वन ये कह दिया है हेट इज अनकम्प्लीट बुफ बैंड। अब देखो कहा हो बप्पा, ये सुरीनाम के एक बदरेफ है। अब सब कोई सोच रहे थे अब ये बदरेफ चलेगा, लेकिन जैसे अब देखने में आया है तो वहां पर भैया देवका लग गया है, देवका लग गई काका। अब हम न समझ पाएला। प्यारे लोग,
आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन ये सच है कि फिश ऑपरेशन अश्विन अधीन इलाका वानिका में रहता है। जब वो भगवान ने जिक्र की है कि वो काशियालान में उसको होना चाहिए, लेकिन वहां तो है वानिका, लेकिन वो हकीकत में है वानिका में, वहां रहता है, लेकिन इस एड्रेस पर नहीं, एक दूसरा एड्रेस है, और वो खुद ये मिनिस्टर या फीपी खुद आपको उनसे पूछे बताएंगे, लेकिन वो है सचमुच वो रखस्ते की है वानिका के लिए, लेकिन वो कोकरी की लान में नहीं, बल्कि और दूसरा जगह पर वो वेल डिस्ट्रिक्ट वानिका में है। और चुनाव में आप तो जानते हैं वो एनडीपी के अलग से वानिका में वो लिस्ट रखकर होगा या क्या होगा, लेकिन वानिका में वो कैंडिडेट रहेगा और वानिका में वो अब रहता है भी, जिस तरह से खरौंचत में लिखल है कि लोग को कितना समय रहना चाहिए, वो समय से वो है वानिका में और वो चुनाव में भाग ले सकता है। फ्रेडरिक फिनिसी ब्रोपोंडो का कमिसार्स बनू भेद फ्रेडरिक फिनिसी, प्यारे लोग, ये 22 साल तक असेंबली लीड था, और फ्रेडरिक फिनिसी ब्रोपोंडो के लिए असेंबली लेट बैठाया गया है, ये शनिचर की बात है, और काफी भीड़ था इनको स्वागत करने के लिए, ये हो चुका है। ए भैया जी, ईश्वर अल्कोवा और अफुबाका के बारे में बातचीत लोग नहीं करते हैं, आप तो जानते हैं, सबको जानत है कि अफुबाका एनन डर तक दिसंबर 2003 वर्ड ओफर खदराखन आन सूरीनाम अंदर हांडलेस कमेसी अल्कोवा ये संदेश आपको दिया है कि एनन डर तक दिसंबर 2003 वर्ड अफुबाका वो क्रैक सेंट्रल के बात हम लोग करना चाहते हैं, अफुबाका ब्रोकोपोंडो क्रैक सेंट्रल ऐसे उसका नाम है, वर्ड ओफर खदराख अब 31 दिसंबर 2019, और ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन के नीचे रहेगा या ईबीएस के नीचे रहेगा या एनहा मिनिस्ट्री के नीचे रहेगा या एक और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के नीचे रहेगा, आप तो जानते हैं यहीं से तो सभी बिजली पैदा होता है, बिजली जब पैदा होता भाइयों बहन यही वो जगह है, यहीं से बिजली स्ट्रोम कहिए हम लोग को घर में आए और वगैरह वगैरह, तो ये सरनाम को हो जाएगा, अभी तक अमेरिका के है या अमेरिकानन के है, लेकिन हम लोग को हो जाएगा इसी नई के संध्या के समय या दिसंबर के समय। हाँ भाइयों देखो क्या तुम्हें बताना चाहूंगा कि आबोप गैरहा निकेरी में बड़ी भीड़ भड़क्का के साथ है भैया, बड़ी भीड़ भड़क्का के साथ, समझे ना, और आबोप वहां पर बड़ी जनता, बहुत इतनी जनता कि आबोप भी लियाकत मावत खान को भी बुलाए थे, यानी कि आकर के कुछ वहां जनता को बतावे वगैरह वगैरह, लेकिन आबोप चाहता है अपना कैंडिडेट ठहराने के लिए अपनी निकेरी में। आबोप रोनी ब्रोइस एक जबरदस्त दिलखासी के साथ निकेरी में था, वहां पर सब निकेरियान से बातचीत की है, एक कैनन बनाया है राजेंद्र हनुमान को वास फोर सेटर, अब ट्वेंट तक के वो वहां पर लिस्ट जो तैयार करेगा, तो भाइयों बहनों अब आप वहां सोच रहे हैं निकेरी में सेटल निकालने के लिए, पांच सेटल है निकेरी में, अब पांच सेटल, अब देखो आप तो जाने कि वाखनिंगन में जब धान का मीरी का उद्घाटन था
वापी एल का असेंबली विद वाइजू भी भाषण दिया। पता नहीं कि वाइजू के हाल किया है निकेरी में, लेकिन वो था वहां पर जहां पर देश का प्रेसिडेंट ध्यान के मीरी का उद्घाटन किया, महेशपाल सिंह का मीरी, वहां पर वाइजू भी भाषण दी है। तो अब से 2020 में पता नहीं है कि वो पीएल रही या कौन पर थे, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि जहाज जब बुड़ने लगता काका, तब सब लोग निकल करके भागने की कोशिश करता है, तब भागने की कोशिश करता है। अब हम तो से का बताए काकी, जैसे वहां भी यही हाल है, और कौन हाल, और कुछ हाल फाल नहीं है, यही सब हाल है। तो यही बात रहा कहने के लिए प्यारे प्यारे लोग। आगे चल करके आज के दिन जो है दुनिया में करार मिला है 23 अक्टूबर 1998 से एक मुकर्रर की है वेरल्ड स्टॉटर्डाग। दिस आज 23 अक्टूबर के जाने की इंटरनेशनल स्टॉटर्डाग यानी करार पाया है, स्टॉटर्डाग यानी टुटलाए कि बोले है स्टॉटरन, तो समझे ना काका। तो आज इस दिन के लिए हम लोग को याद करना पड़ता है कि जो बेचारन को ये हाल है, उन लोग के लिए हम लोग को दुआ करना चाहिए। और ये जो स्टॉटर्डाग है, जो टुटला है जैसे, तो वो इंसान को तकलीफ देता है, शरीर के तकलीफ देते हैं, हार्ट के तकलीफ देता है। ये स्टॉटर नहीं करना चाहिए लड़कन को, उनको कोई ना कोई तरीका होना चाहिए डॉक्टर के रंग से, ताकि ये जो स्टॉटर करते हैं वो बंद हो जाए। तो उन लोगों के लिए दवा की बहुत जरूरी है, और हम लोग को चाहिए उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए, और ऐसे दुआ करो कि ये स्टॉटरन उन लोगों को बंद हो जाए, ऐसे हमारा विचार है। अच्छा अच्छा से रहियो, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर भेंट मुलाकात होगा।